आज जो मैकेनिकल एंड हाइड्रोलिक ट्रैक्शन कंट्रोल यूनिट के बारे में बात करने जा रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए इसको। ये डायग्राम्स वगैरह मैंने खुद अपने हिसाब से बनाए हैं। दीज डायग्राम्स आर नॉट अवेलेबल एनीवेयर, कहीं नहीं। इनको आप ध्यान से देख लीजिए। तो ट्रैक्शन कंट्रोल यूनिट जो मैंने बताया था कि ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए कई मेथड होते हैं, और उन मेथड में मैंने आपको बताया था कि डायनेमिक वेट ट्रांसफर मेथड है, वह तब यूज किया जाता है जब ट्रैक्टर काम कर रहा होता है। बाकी कुछ मेथड ऐसे थे जो ट्रैक्टर हम एक बार लगा के छोड़ देते हैं, उसके बाद उनको यूज नहीं करते। वो आप उस वीडियो में देख लीजिए, इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे हम डायनेमिक वेट ट्रांसफर मेथड की बात कर रहे हैं। डायनेमिक वेट ट्रांसफर का मतलब है कि ऐसे मेथड जो ट्रैक्टर जब काम कर रहा है फील्ड में, उसी टाइम ट्रैक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज करने के काम में लाए जाते हैं। तो इस तरह के ट्रैक्शन कंट्रोल मेथड्स को हम ट्रैक्शन कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। तो ट्रैक्शन कंट्रोल यूनिट को शॉर्ट फॉर्म में टीसीयू भी बोलते हैं। कई बार एग्जाम में इसकी स्मॉल फॉर्म पूछ लेते हैं, फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, टीसीयू क्या होती है। तो टीसीयू का काम होता है, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है रियर व्हील्स के ऊपर ट्रैक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करना अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो टीसीयू है, यह सेमी माउंटिंग इंप्लीमेंट्स के साथ यूज किया जाता है, क्योंकि सेमी माउंटिंग इंप्लीमेंट का वेट है वो इंप्लीमेंट व्हील्स द्वारा कैरी किए जाते हैं। इंप्लीमेंट के अंदर व्हील्स लगे होते हैं, इसका वेट 3 पॉइंट लिंकेज पे नहीं आता है, और इसलिए इसके वेट को हम रियर व्हील्स पे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस तरह के इंप्लीमेंट्स के लिए हमें ट्रैक्शन कंट्रोल यूनिट की आवश्यकता होती है। तो दो तरह के ट्रैक्शन कंट्रोल यूनिट होते हैं, एक मैकेनिकल ट्रैक्शन कंट्रोल यूनिट होता है और दूसरा हाइड्रोलिक ट्रैक्शन कंट्रोल यूनिट होता है। तो मैकेनिकल ट्रैक्शन कंट्रोल यूनिट का सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो जो मैकेनिकल ट्रैक्शन कंट्रोल यूनिट है, ये प्योरली मैकेनिकल लिंकेजेस के द्वारा ही काम करता है, इसमें और किसी तरह की पावर का यूज नहीं किया जाता है। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये मैकेनिकल ट्रैक्शन कंट्रोल यूनिट कैसे काम करता है। मैं आपको बताता हूं, पहले आपको उसकी कंस्ट्रक्शन बताता हूं कि इसके अंदर ना एक ट्रैक्टर के पीछे एंकर बार लगा होता है। एंकर बार क्या करता है? एंकर बार के अंदर होल होते हैं कई तरह के, आप देख सकते हो उसमें। तो ये जो होल्स हैं H1, H2, H3, इस होल्स में टॉप लिंक को अटैच करते हैं। टॉप लिंक का एक पार्ट इस होल में होता है, दूसरा पार्ट है वो इंप्लीमेंट मास्ट के साथ लगा होता है। ये इंप्लीमेंट के अंदर एक मास्ट होता है, इस इंप्लीमेंट मास्ट के ऊपर इधर साइड में होल होता है। एक आपको इंक कलर चेंज कर लेता हूं एक बार में। तो ये यहाँ एक होल होता है, टॉप लिंक इस इंप्लीमेंट मास्ट के साथ लगा होता है। इसी तरह इंप्लीमेंट मास्ट में नीचे की तरफ होल, आप दो होल होते हैं, इधर एक नजर आ रहा है, क्योंकि अब अगर इसको साइड से देखेंगे तो ये इस तरह से होता है। तो यहाँ ऊपर टॉप लिंक लगता है और नीचे दोनों साइड में यहाँ पे लोअर लिंक लगते हैं। तो नीचे के दोनों होल्स हैं वो लोअर लिंक के साथ अटैच हैं, ऊपर वाला जो होल है वो टॉप लिंक के साथ अटैच है। तो अब आप देख सकते हो कि इसमें जो टॉप लिंक है वो टिल्टेड है, एक एंगल पे झुका हुआ होता है। तो इस जो टिल्ट एंगल है, जो इसका टॉप लिंक का झुकाव का एंगल है, इसी को हम कम ज्यादा करके ट्रैक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो आप देख सकते हो इसमें, इस फिगर में ये जो इम्प्लीमेंट है, इम्प्लीमेंट का मोल्ड बोर्ड है, इसके ऊपर ये फोर्सेस काम कर रहे हैं इसके 90 डिग्री पे। अब इस परपेंडिकुलर फोर्सेस कहाँ ट्रांसमिट होंगे आप? अब ये परपेंडिकुलर फोर्स इसको पीछे की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगा, ठीक है? तो फिर क्या होता है कि
ये जो पीछे की तरफ फोर्स लगता है वो लोअर लिंक पे भी पीछे की तरफ फोर्स लगता है, टेंसाइल फोर्स। तो लोअर लिंक पे टेंसाइल फोर्स काम करेगा, जैसे ही सोल रेजिस्टेंस बढ़ेगा इस पे टेंसाइल फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, तो अब ये तीन जगह पे अटैच है इम्प्लीमेंट, तो इट्स ट्राई टू रोटेट स्लाइटली एंटी क्लॉकवाइज। तो उससे क्या होगा, ये जो टॉप लिंक है इस पे आगे की तरफ फोर्स लगेंगे, कंप्रेसिव फोर्स। तो लोअर लिंक पे टेंसाइल फोर्स लगते हैं और टॉप लिंक पे कंप्रेसिव फोर्स लगते हैं। कंप्रेसिव फोर्स क्या करते हैं, फिर आगे टॉप लिंक की डायरेक्शन में आगे की तरफ कैरी होते हैं। तो अब सपोज कीजिए कि हमारा इम्प्लीमेंट है, इसका टॉप लिंक एच टू होल के अंदर अटैच है, तो इसके ऊपर जो कंप्रेसिव फोर्स लगेंगे वो किस डायरेक्शन में लगेंगे, एच टू पी टू, इस डायरेक्शन में। ये पी टू है, एच टू पी टू डायरेक्शन में लगेंगे, यानी कि फोर्स इंक्रीज किधर हो रहे हैं, पॉइंट पी टू पे। ये फोर्स ट्रांसफर हो रहे हैं पॉइंट पी टू पे, तो ट्रैक्शन कहाँ बढ़ रहा है, पी टू पे बढ़ रहा है। अब हमें ट्रैक्शन की रिक्वायरमेंट है रियर व्हील्स पे, क्योंकि ये रियर व्हील स्लिप हो रहा है और यही पावर व्हील्स है हमारे, ट्रैक्शन व्हील्स बोलते हैं इनको, क्योंकि यहीं पे लाइव एक्सेलरेटर जुड़े हुए हैं और इंजन पावर मिलती है। यहां हमें ट्रैक्शन बढ़ाने की आवश्यकता है। तो अब क्या होगा कि हमें जो इंप्लीमेंट का वेट है उसको इधर लेके जाना पड़ेगा, रियर व्हील्स की तरफ। कैसे लेके जाएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे कि टॉप लिंक को, ट्रैक्टर को रोकेंगे, टॉप लिंक को खोल के डिटैच करके एच टू होल की बजाय एच वन होल के ऊपर डिटैच कर लेंगे। अब इससे क्या हुआ, आप देख सकते हो जो टॉप लिंक का टिल्ट एंगल चेंज हो गया है। ये जो टॉप लिंक मैंने डैश लाइन में दिखा रखा है, ये इस पोजिशन में हम आ गए हैं। तो अब क्या हुआ, जो कंप्रेसिव फोर्स कहाँ लगेंगे, एच वन पी वन डायरेक्शन में लगेंगे, एच वन पी वन डायरेक्शन में लगेंगे। तो अब जो फोर्सेज है वो जो पी टू पे लग रहे थे जो फ्रंट व्हील के पास थे, वो अब रियर व्हील के पास आ गए हैं। तो रियर व्हील के ऊपर फोर्सेज बढ़ गए हैं, इसका मतलब रियर व्हील पे ट्रैक्शन अब इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम ट्रैक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि टॉप लिंक का एंगल चेंज होने से हमने इंक्रीज कर दिया। इसी तरह अगर डिक्रीज करना हो तो हम अपर होल में अटैच करेंगे, और इंक्रीज करना हो तो लोअर होल में अटैच करेंगे। अब आपसे पूछ सकते हैं कि इसकी ड्रॉबैक क्या है, तो मैकेनिकल सिस्टम की ड्रॉबैक यही है कि ट्रैक्टर को चलते चलते हम ट्रैक्शन चेंज नहीं कर सकते। जब लगता है कि व्हील स्लिप हो रहा है, ऑपरेटर ट्रैक्टर को स्टॉप करेगा और फिर वो टॉप लिंक को डिटैच करके लोअर होल में अटैच करेगा और फिर दोबारा अपना ट्रैक्टर चलाना शुरू कर देगा, उसको ज्यादा ट्रैक्शन मिलेगा। ये इसका ड्रॉबैक है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में सूचना मिलती रहेगी। तो चलो अब शुरू करते हैं हाइड्रोलिक ट्रैक्शन कंट्रोल यूनिट। हाइड्रोलिक ट्रैक्शन कंट्रोल यूनिट का ये डायग्राम देखिए, तो ये प्योरली हाइड्रोलिक पावर से ही कंट्रोल होते हैं, इसलिए इसको हाइड्रोलिक ट्रैक्शन कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। इसे कंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हो कि इम्प्लीमेंट के अंदर एक इम्प्लीमेंट सिलेंडर लगा हुआ है। ये सिलेंडर ये ऑयल होजेज के थ्रू ट्रैक्शन कंट्रोल वाल्व के साथ अटैच होता है। ठीक है, ये ट्रैक्शन कंट्रोल वाल्व है, ये हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, यानी जो हाइड्रोलिक ऑयल है वो इसके थ्रू हमारे इम्प्लीमेंट सिलेंडर में जा सकता है और वापस आ सकता है। जो इम्प्लीमेंट सिलेंडर है इसका प्लंजर, ये वाला ये प्लंजर है, वो मास्ट के साथ कहाँ अटैच है, जहां पे टॉप लिंक अटैच है। ठीक है, और टॉप लिंक का अदर एंड है ये ट्रैक्टर के साथ अटैच होता है। जो लोअर लिंक्स हैं वो ट्रैक्टर वो सॉरी जो इम्प्लीमेंट मास्ट के लोअर होल्स हैं वो लोअर लिंक के थ्रू ट्रैक्टर के साथ अटैच किए हुए हैं। तो इस तरह से तीनों हिच पॉइंट हमारे अटैच हो गए हैं, एक टॉप पे, दोनों लोअर पे। तो इस तरह के इम्प्लीमेंट का वेट इम्प्लीमेंट व्हील्स के द्वारा कैरी किया जाता है। व्हील एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं।
अब इसकी वर्किंग के बारे में बताऊंगा कि ये काम कैसे करता है। सिंपल वर्किंग है, जब ऑपरेटर को लगता है कि ट्रैक्शन कम हो गया है तो वह उसके पास कंट्रोल लीवर लगा हुआ है ये इस सीट के पास, इस कंट्रोल लीवर को वो पुल करेगा और उससे क्या होगा, पीसीयू वाल्व ओपन होगा। पीसीयू वाल्व से ऑयल है वो इंप्लीमेंट के सिलेंडर के लोअर साइड में जाएगा और प्लंजर को आगे की तरफ पुश करेगा। इन रिटर्न प्लंजर क्या करेगा, आगे टॉप लिंक के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा और टॉप लिंक के ऊपर जो कंप्रेसिव फोर्स है वो हमारे ट्रैक्टर के रियर व्हील की तरफ पॉइंट पी की तरफ इधर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, पॉइंट पी की तरफ आया तो ये रियर व्हील पे ट्रांसफर वेट ट्रांसफर हो गया, जिसकी वजह से हमें ज्यादा ट्रैक्शन मिलेगा, ठीक है। और जब ट्रैक्शन कम करना हो तो टीसीयू वाल्व को वापिस पुश बैक कर देते हैं, ऑयल वापिस सिस्टम के अंदर आ जाता है, हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर, और ट्रैक्शन वापिस कम हो जाता है। सिंपल वर्किंग है, रिपीट कर देता हूं कि जब ट्रैक्शन बढ़ाना हो तो कंट्रोल लीवर को ऑपरेटर पुश करता है, टीसीयू वाल्व है वो इंप्लीमेंट सिलेंडर के लोअर साइड में ऑयल सप्लाई करता है, इंप्लीमेंट सिलेंडर का प्लंजर है वो टॉप लिंक पे प्रेशर लगाता है, टॉप लिंक कंप्रेसिव फोर्सेस को फिर पॉइंट पी की डायरेक्शन में इधर रियर व्हील की तरफ ट्रांसफर करता है और रियर व्हील पे ट्रैक्शन बढ़ जाता है। मुझे लगता है आपको सारा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा। लास्ट में जाते जाते आपको कंपेरिजन भी बता देता हूँ, कई बार एग्जाम में कंपेरिजन पूछ लेते हैं। तो इन दोनों का कंपेरिजन चार पॉइंट हमारे पास, मैकेनिकल टीसीयू है इट इज प्योरली कंट्रोल्ड बाय मैकेनिकल सिस्टम, और हाइड्रोलिक टीसीयू है इसको हाइड्रोलिक प्रेशर की मदद से कंट्रोल करते हैं। मैकेनिकल सिस्टम में ट्रैक्शन को चेंज करने के लिए ट्रैक्टर को रोकना पड़ेगा और फिर टॉप लिंक को डिटैच करके उसका टिल्ट एंगल मैनुअली चेंज करना पड़ता है, जबकि हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर ट्रैक्शन को चेंज करने के लिए ऑपरेटिंग कंट्रोल लीवर को चलते चलते ही ऑपरेटर प्रेस करता है और चलते चलते ही ट्रैक्शन बढ़ जाता है, इसके लिए ट्रैक्टर को स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। मैकेनिकल ट्रैक टीसीयू है ये सिंपल है कंस्ट्रक्शन में और चीप है, जबकि हाइड्रोलिक टीसीयू है ये कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन होती है और ये कॉस्टली भी होता है। मैकेनिकल टीसीयू है ये छोटे और मीडियम साइज के इंप्लीमेंट के लिए यूज किया जाता है, जबकि हाइड्रोलिक प्रेशर कंट्रोल यूनिट हैवी वर्क वाले लार्ज इंप्लीमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। तो आज इतना ही, आपसे फिर रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।